डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में विभिन्न विभागों के तहत जारी कार्यों पर अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं। आलम यह है कि लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के अधीन काम कर रहा है और ठेकेदारों की मनमानी आम जनता पर लगातार भारी पड़ती जा रही है। इसके अलावा सरकार अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व CPS सोहनलाल ठाकुर ने बुधवार को प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि ठेकेदारों की मनमानी का एक वाक्या विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के तहत देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर हाईवे पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों के हालात भी खराब हो चुके हैं। भाजपा की सरकार के समय में ऐसा लगता है कि किसी भी विभाग का अपने विभाग के प्रति चल रहे कार्य का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई निरीक्षण नहीं है। PWD विभाग यदि कहें तो ठेकेदारों के अधीन काम कर रहा है, ना कि ठेकेदार विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ये कैसा वाक्या NH सलापड़ में देखने को मिल रहा है। ठेकेदार कटिंग कर रहा है और उस मलबे को वहीं सड़क के ऊपर रख रहा है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रही है। हाथ के साथ उस मलबे को नहीं उठाया जा रहा है, विभाग इस चीज़ को नहीं देख रहा है। ट्रैफिक विभाग भी, पुलिस विभाग भी नहीं देख रहा है कि यहाँ ट्रैफिक बाधित हो रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, कि जिस स्थान पे ये कटिंग हो रही है वहाँ से कम 10-12 IPH विभाग की पाइपें गुजरती हैं और वो पाइप्स ठेकेदार ने काम करते दौरान तोड़ दी। उससे पूरे सलापड़ गांव का जो पानी की व्यवस्था है वो पिछले 15 दिनों से बाधित है, लेकिन IPH विभाग ये सुध नहीं ले रहा है कि पानी यदि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत सोझा में महेंद्र कुमार ने कंप्लेंट करी कि उसके गांव में अवैध खनन हो रहा है। खनन अधिकारी को लिख के दिया, DC महोदय को लिख के दिया, नीरी पुलिस को लिख के दिया, लेकिन दुख का विषय है कि अभी तक उस खनन को नहीं रोका गया। जो लोग वहाँ बस रहे हैं उन घरों को खतरा पैदा हो गया है, लेकिन ये तीनों विभाग ने अभी तक इस कार्य की कोई सुध नहीं ली, इस खनन को ही रोका। अभी मीडिया के माध्यम से पूर्व प्रधान ने ये कंप्लेंट करी कि उनके गांव में सड़क का निर्माण हुआ जिसके लिए 2 लाख रुपया मंजूर हुआ था, और वो 2 लाख कितना खर्च मौके पे हुआ, क्या वो सड़क बनी, क्या वो सड़क मोटरेबल हो गई, ये विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया। तो मुझे ये कहना है कि भाजपा के सरकार में आज खुलेआम अधिकारियों ने बेलगाम लोगों को इजाज़त दी है कि आप जो मर्जी करें, बस ठीक है, खुला है, भ्रष्टाचार हो रहा है, काम ढंग से नहीं हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज।